नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार गिरी है और आप देख रहे हैं भारत 24 के खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान। मैं मौजूद हूँ कुशनगर लोकसभा क्षेत्र के कुशनगर विधानसभा अंतर्गत ग्राम सभा नौतन हरदो में। भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो यह ग्रामीण क्षेत्र है और पडरौना विकासखंड के ग्राम पंचायत नौतन हरदो का एक हेरिटेज टोला है, उसमें बहुल इलाका माना जाता है। हमारे साथ इस कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे मोदी सरकार की योजनाएं क्या इन तक पहुंच पाई हैं और अगर पहुंची है तो किन किन योजनाओं के लाभ ले रहे हैं। सर बताओ, क्या नाम आपका? भाई देखिए, हमारा नाम है साहब आलम सिद्दीकी। योजनाओं की बात करें तो सरकार की योजनाएं आके आप तक आसानी से पहुंच पा रही है पहले से? देखिए, पहले के सरकार में, इस सरकार में, पहले के सरकार योजना सब चलाता था, लेकिन लाभार्थी के पास पहुंचते पहुंचते रकम कम हो जाता था। लेकिन इस सरकार में योजना है, जैसे किसान सम्मान निधि वाला जो प्रधानमंत्री जी चलाए हैं, ये योजना जो है एकदम डायरेक्ट 2000 रुपया किसान के खाते में आप पहुंच रहा है। अब रही सवाल है गैस उज्ज्वला वाला, है ना, तो ये उज्ज्वला जो योजना प्रधानमंत्री जी चलाए थे, अभी चल ही रहा है, तो कुछ शुरू में लोगों के लाभ मिला, उसके बाद गैस भराने के लिए खाते में पैसा आएगा, ये आएगा वो आएगा, लेकिन नहीं आ रहा है। आयुष्मान कार्ड की बात करें तो आयुष्मान कार्ड इजीली पहले सब बनने लगे हैं। हाँ, आयुष्मान कार्ड पहले तो बहुत से ऐसे लोग थे कि उनको जानकारी नहीं था, जानकारी के अभाव में वो नहीं बनवा पाए, लेकिन अब जानकारी हुआ है और कुछ सरकार के तरफ से काम में तेजी आया है तो अब बनना शुरू हुआ है। चाचा, हम बिजली की बात करें तो क्या पहले से बिजली अच्छा है? आपका नाम क्या है? द्वारिका है। तो पहले से बिजली व्यवस्था अच्छा है यहाँ पे? ठीक है। अगर हम सड़क स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करें, शिक्षा की बात करें तो कैसी स्थिति है, पहले अपना नाम बताएं। हमारा नाम मुर्तुजा अंसारी है और सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को प्यार भरा सलाम जी। जहाँ तक स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित बात है तो स्वास्थ्य वाली समस्या जो थी लगभग धीरे धीरे सबका उससे निजात मिल रहा है, सब लोग उससे लाभान्वित हैं। मोदी जी की जो योजना है उससे सब लोग लाभान्वित हो रहे हैं, बट शिक्षा से है, शिक्षा से अल्पसंख्यक समाज जुड़ा था, वो काफ़ी संख्या में लोग जुड़े थे, जैसे पूरे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की एक योजना थी SPQAM योजना, जिसमें 25,000 मदरसा आधुनिकरण जुड़े थे और वह योजना आज 3-4 साल से बंद पड़ी है और शिक्षकों का 4 साल से मानदेय भी नहीं मिल रहा, जिससे उनकी काफ़ी स्थिति दयनीय हो चुकी है और भुखमरी के कगार पर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहूँगा, आदरणीय प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट गुजारिश करूँगा कि तत्काल उनका मानदेय जारी किया जाए, जिससे उनकी जो समस्या है वो दूर हो जाए और उनके चेहरे पर खुशी आए। जिस तौर पर ये समस्या है मैं मानता हूँ, लेकिन ये आप, मैं ये जानना चाहूंगा, जो योजनाओं की बात करें, अगर हम सरकार की जो योजनाएं हैं कितनी आसानी से पहुंच पा रही है पहले की अपेक्षा, अब आप मुस्लिम समाज के रहन सहन में कितना प्रभाव पड़ा है? देखिए, जो सरकार की योजना है वो अब सीधे हम लोग तक पहुँच रहा है, ये तो इसमें कहीं से कोई गुरेज नहीं है। समस्याएं जो भी थी वो लगभग धीरे धीरे खत्म हो रही है और सीधा जो भी जो लाभ था वो, जैसे मान लीजिए सम्मान निधि की बात हो या किसी तरह की और कोई लाभ पाने की बात हो, सीधा वहां से आप पैसा आ रहा है तो हम लोग खाते तक पहुंच रहा है, वो अब इस तरह कोई समस्या नहीं है, सीधे उसको हमको लाभ मिल रहा है, इसमें इस तरह कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें सड़क कितने अच्छे हो गए हैं पहले से, बाकी व्यवस्थाएं कितनी अच्छी हो गई है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसराफी। व्यवस्थाएं बताएं सड़क को लेकर, कैसे? सड़क की भी बढ़िया है, पहले से हमें अंतर हुआ है? पहले से अंतर है, अभी ये ढलैया हो गया। और अगर बात करें गांव में रहन सहन के चीजों के, पहले पढ़ाई लिखाई में क्या अंतर था और अब व्यवस्थाओं कैसी हो गई हैं? सब चीज आसानी से मिल रही है? अब सब चीज आसानी से मिल रही है सर। मैं और भी लोग हम बात करेंगे, चाचा पहले से आप में बात करें तो रहन सहन में कितना प्रभाव पड़ा है, मोदी जी के जो योजनाएं हैं कितना आसानी से आप तक पहुँच पा रही है? योजना टाइम से चौंप रहा है, कुछ आदमी का नहीं मिल रहा है, कुछ आदमी का मिल रहा है, किसानी वाला। उनके आने के बाद मुस्लिम समाज के रहन सहन में कितना बदलाव हुआ है? बहुत सारा बदलाव हुआ है, सब चीज बढ़िया है। अगर हम रहन सहन की बात करें तो आप सबको रहन सहन में कितना बदलाव हुआ है, क्या क्या चीजें आप मिली हैं जो पहले नहीं मिल पाती थी? बहुत सारा चीज मिला है, जैसे गैस मिला है, बहुत सारी योजनाएं चली हैं, किसान निधि योजना और सारी बहुत सारी योजनाएं चल रही है, सब ठीक है। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार के आने के बाद आप लोगों के रहन सहन बाकी चीजों में परिवर्तित हुआ है, पहले से चीजें जो थी उसे बदली है या फिर कुछ इस तरह है? नहीं, बहुत सारा डेवलप हुआ है, काम अच्छे हो रहे हैं,
अगर हम मोदी सरकार की बात करें तो मोदी सरकार के आने के बाद आप लोगों के जीवन में जीवन स्तर पर कितना बदलाव हुआ, क्या क्या योजनाएं हैं जिससे आपको लाभ मिल रहा है? मोदी सरकार की योजनाओं से लाभ तो अच्छी है, क्योंकि जो भी योजनाएं हैं तुरंत उपभोक्ता को मिल जा रही है, डायरेक्ट मिल रही है। लाभ क्या मिल रहा है मोदी सरकार से? लाभ से जो भी योजना है, उज्ज्वला है, चाहे जनधन योजना है, हर एक एंड टू एंड मिल जा रहा है, इसमें किसी प्रकार की करप्शन नहीं हो रहा, बाकी सब सही है। लेकिन बस वही मुसलमानों के प्रति जो शिक्षा व्यवस्था है उसका स्तर बहुत लो हो रहा है। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार के आने से कितना फायदा, क्या क्या लाभ मिल रहा है? फायदा बहुत है, फायदा यही है जो हमको खाली मोदी सरकार जो 2000 रुपये देती है वही मिला है। हम कुशनगर लोकसभा में ही है और वहाँ से कुछ और लोग जो हम इनसे बात करें जानेंगे। सरकार की योजना बात करें, केंद्र सरकार की योजना, मोदी सरकार की योजना है, आपको क्या नाम है? हमजा अली जी आपका नाम है। तो जनाब मैं जानना चाहूंगा कि जो व्यवस्था है सरकार की वो कितने आसानी से आप तक पहुंच पा रही है? आप बहुत आसानी से मिल जाती है। कौन कौन योजना है जिससे आप आसानी से? सम्मान निधि वाला, किसान सम्मान निधि वाला। अगर मोदी जी की बात करें तो मोदी जी की कार्यशैली से, मोदी कार्यशैली से और बाकी चीज कितना? एकदम सब ठीक है, कोई भी रहेगा तो ऐसे ही चलाएगा। मोदी जी की बात करें तो मोदी जी का जो कार्य है उसको आप किस नजर से देखते हैं? लोकसभा चुनाव है तो सियासी चर्चाएं भी हो रही हैं, तो अभी उनके विकास कार्य किस नजर से देखते हैं, योजनाएं किस तरह तक पहुंची हैं? आपका नाम क्या? कुतुबुद्दीन। योजनाओं तो बताए कितना? योजना कुछ पहुंचा है, कुछ नहीं पहुंचा है, जैसे कि सड़क वगैरह का मामला है या बिजली का मामला है, ये कुछ हद तक पहुंचा है, कुछ मिला है। और ये पेंशन का मामला था, कुछ साथियों का मिल रहा था, कुछ लोगों का बंद हो गया है, अभी नहीं मिल रहा है। और विकास कार्य की बात करें, किसान पेंशन योजना की बात करें या फिर अगर हम बात करें आयुष्मान कार्ड की, वो उसका लाभ कितना आसानी से मिल रहा है? पूरा आसानी से नहीं मिल रहा है, लेकिन भागदौड़ करने पर कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। पहले सरकारों की बात करें, पहले की सरकारों में और अब की सरकारों में कितना अंतर है? क्या पहले उतना आसानी से मिल जाती थी, अब आसान हो गया है? अब कुछ आसान हो गया है पहले से। आपसे जानना चाहूंगा कि अभी जो मोदी सरकार है उनकी योजनाओं से आप कितना लाभान्वित है, कौन कौन योजना आपको मिल रही है? मुझे उज्ज्वला गैस योजना वाला जो है उसका लाभ मिला हुआ है, प्लस आयुष्मान कार्ड जो है उसका भी मुझे लाभ मिला हुआ है, पर थोड़ा सा खर्च वगैरह मेंटेन करना पड़ता है, अपने पास से दिया जाता है, जो जैसे मान लीजिए जांच वगैरह फीस जो भी है ये सब दिया गया है, उसके बाद ही जो भी ऑपरेशन का खर्च है वो हॉस्पिटल द्वारा मिला है। क्या नाम है आपका? रफीक अंसारी। रफीक जी, और भी योजनाएं हैं, चाहे वो किसान पेंशन की बात करें, चाहे हम बात करें अभी वर्तमान में बिजली व्यवस्था की बात करें, सड़कों की बात करें, शिक्षा की बात करें, उसमें कितना बदलाव हुआ? आपके पहले के रहन सहन और आपके रहन सहन में कितना अंतर है? जी बदलाव तो है, इसमें तो बदलाव नजर आया ही है। बदलाव तो उसमें है, लगभग हमारे नजर से देखा जाए तो शिक्षा में भी है, बिजली व्यवस्था में भी बदलाव आया हुआ है, सड़क सुरक्षा में भी बदलाव है, बदलाव नजर आया। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार ने इन सालों में विकास कार्य किए हैं? बहुत ज्यादा किए हैं। क्या नाम आपका? इमामुद्दीन। मोदी जी, और भी योजनाओं की बात करें तो कौन कौन सी योजना आपको मिल रही है? हमको तो अभी शादी नहीं हुआ है तो अभी कुछ नहीं मिल रहा है, खाली राशन मिलता है। राशन का लाभ लेते हैं? हाँ, खाली लाभ। कोरोना काल में राशन बंटना कितना लाभकारी रहा? बहुत ज्यादा। हम लोग तो गांव में हैं, हम लोग को कुछ नहीं फायदा हुआ है, जो शहर में थे अब उनको क्या मालूम हुआ कि नहीं हुआ। तो ये यहाँ की जनता है, इन्होंने बताया कि क्या क्या योजनाएं मिली इनको, किस तरह से इनको लाभ मिला। इसी तौर पर इनका ये कहना है कि मोदी सरकार की कई योजनाओं से लाभान्वित हुए, कुछ लोग ये कहना है कुछ योजनाएं हैं उनमें सुधार की जरूरत है। राजकुमार गिरी, भारत 24, कुशीनगर।